केमिकल इंजीनियरिंग नाम सब सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में। केमिकल में, इंजीनियरिंग में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो अगर एक छोटा सा रिएक्शन की बात करें तो ऐसा तो नहीं है जो हम पढ़ाई करते हैं उसको केवल पढ़ लिया हो गया। जनरली हमारा पर्पज़ क्या होता है पढ़ाई का, हम उसका नॉलेज लें तो उसको हम कमर्शियल लेवल पर अप्लाई करके मेन काम है पैसा कमाना सबका और लोगों को सुविधा देना, है ना। जो रिएक्शंस है उसको हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, शुगर इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में लगभग यूज करके और उसका हम लोग व्यापार करते हैं जो भी बनता है। तो ये जो रिएक्शंस है इसको अप्लाई करने के लिए, पढ़ाई तो पढ़ लिया, इसको अप्लाई करने के लिए हमको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। हा? कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से, जिसका हमको एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए और कैसे अप्लाई करना है कमर्शियल बेसिस पे, वो चाहिए जिससे हम उसको हम सक्सेसफुली इकोनॉमिकली अप्लाई कर सकें बिना किसी कठिनाई के। तो वो दो तीन चार सब्जेक्ट हैं जिसको हमको जानना ज़रूरी है। तो पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है थर्मोडाइनमिक्स। दूसरा हमारा एसटी। तीसरा हमारा एमटी, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर हो गया। थर्ड केमिकल काइनेटिक्स। है ना, तो इन दोनों को, तीनों को तो नहीं बट इस नए वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से। जो केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज देता है सब्जेक्ट उसको सीआरई बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। एक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हम रिएक्शन के बारे में जानेंगे, वनली रिएक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं और रिएक्शन में जो जो टर्म आते हैं उसके बारे में। हाँ, किसी जो रिएक्टर्स आएंगे तो उसका परफॉर्मेंस इक्वेशन जब लिखते हैं, जैसे हमारा रिएक्टर्स, तो हम जिन रिएक्टर का अध्ययन करेंगे इस नए टॉपिक में वो तीन तरह के हैं, वो आइडियल ही हैं तीनों। आइडियल के बारे में करेंगे, आइडियल में कौन कौन से लेंगे, एक बैच लेंगे, बैच के लिए हम परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखेंगे और उस परफॉर्मेंस इक्वेशन में जो जो टर्म आएंगे उसको हम डिफाइन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और दूसरा रहेगा हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर। इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, क्योंकि ये भी ज़रूरत पड़ते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, तीन तरह के रिएक्टर हो गए आइडियल, जिनके बारे में हम सीआरई में पढ़ेंगे। अब जो रिएक्टर है इसमें जनरली होता है हम रिएक्टेंट डालते हैं, अब प्रोडक्ट हमारा मिलता है, यहाँ पे हमारा रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम जब इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं और इस रिलेशन से जो इक्वेशन बनता है वो हमारा, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इक्वेशन। परफॉर्मेंस इक्वेशन उसको बोलते हैं। परफॉर्मेंस इक्वेशन हम केवल बैच, प्लग और मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए ही लिखेंगे इस सब्जेक्ट में, अगर और भी होगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन जनरली यही तीन होता है। अब जो परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखते हैं उसका मतलब जो रिएक्शन लास्ट में आता है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसका रेट किस रेट से हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं रिएक्टेंट डाले तुरंत प्रोडक्ट बन गया, एक सेकंड के अंदर निकाल लिया या एक मिनट के अंदर, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है ना, कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट का मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए हम एक मोल डालें तो एक मिनट बीता तो 0.1 मोल ए बन गया, तो ये केवल 0.9 बचा, फिर ये 0.2 बना तो ये 0.8 केवल बचा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम इंटरवल में ये रिएक्शन होता रहता है और लास्ट तक आते आते ये एक मोल बन जाता है और रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 मोल केवल बचता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा होता नहीं है कि जनरली इतना फेवरेबल कंडीशन हो, ये आइडियल कंडीशन में ही ऐसा हो सकता है, उसमें कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं जो रिएक्शन हर टाइम नहीं होता है, अगले सेकेंड में कम होगा, अगले सेकेंड में हो सकता है ज़्यादा हो जाए, इस तरह से करके होता है।
वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, उसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हम परफॉर्मेंस इक्वेशन की बात कर रहे थे, जब परफॉर्मेंस इक्वेशन का मतलब ही ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको आर से हम लिखते हैं। अगर हम कोई इक्वेशन जैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन एक लिखते हैं, ये कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट बना रहा है टाइम के साथ साथ। तो अगर इसके अगर ये टाइम के साथ डिसअपियर होता है, मतलब खर्च होता है, स्पेंट होता है, तो रेट ऑफ डिसपेरियंस ऑफ ए लिख सकते हैं आर ए। ये टाइम के साथ घटता है इसलिए इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोडक्ट में मान लेते हैं हमारा बी बन रहा है, तो यहाँ से हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर बी। ए फार्मिंग, जैसे 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 टाइम बीतेगा, जैसे जैसे एक खर्च होगा, जैसे जैसे डिसअपियर होगा, जैसे जैसे एक कम होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो बी बनता जाएगा। तो यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखेंगे, यहाँ पे फार्मिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ बी लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। यहाँ पे पहले जीरो था, अभी जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले एक मोल था, यहाँ पे जीरो था, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, अगले सेकंड में ये 0.9 रह गया, ये 0.1 बना। तो अभी क्या, इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे 0.9 - 1, तो माइनस में 0.1 आएगा। अब इसका क्या होगा, 0.1 - 0, ये 0.1 आएगा प्लस में, तो ये माइनस आता है। इसको माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आता है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रहते हैं। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ ए। डिस्पेरेंस मतलब खर्च होना होता है। तो ये रेट इक्वेशन हो गया। अभी थोड़ा सा और इसमें जानेंगे कि जो हमको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जो हमको पढ़ना है वो हम केवल कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर पढ़ेंगे। दो तरीके से निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम और वेरिएबल वॉल्यूम भी होता है। वेरिएबल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम चेंज होता रहता है, जो हम रिएक्टेंट डालते हैं अभी यहाँ पे जो डालते हैं उसका अमाउंट होता है, ना कि रिएक्टर का हमारा साइज का वॉल्यूम होता, नहीं, जितना हमने डाला रिएक्टेंट इसमें वो हमारा अब वॉल्यूम हो गया उसका। हाँ, रिएक्शन का वॉल्यूम हम उतना ही लेंगे, इसी वॉल्यूम के बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ना कि ये रिएक्टर का। अगर यहाँ पे हम पहले हम 5 लीटर डाल रहे हैं, 5 लीटर, और फिर हम अगला चेंज कर दिए, लगातार चेंज कर रहे हैं, तो उसको वेरिएबल वॉल्यूम बोलेंगे। और सेम 5 लीटर ही डाल रहे हैं, या 5 मोल, जिस तरह से भी करें, तो वहाँ पे हम केवल उसको कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। यहाँ पे जनरली जो हम तीनों ये रिएक्टर के लिए हम परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालेंगे उसमें हम केवल कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। अगर देखेंगे आप लोगों के सिलेबस में, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में वेरिएबल वॉल्यूम होगा तो उसको भी कवर करेंगे। तो बाकी परफॉर्मेंस इक्वेशन के बाद हमारा जो जनरली परफॉर्मेंस इक्वेशन को मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, उसको तरीके तरीके से लिखते हैं, तरह तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम उसको लिखेंगे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम सीधे मैंने बताया कि आर ए से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है कि हमारा जैसे आर ए के मीन्स ये हो गया, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो आर ए इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए का कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है इन ए गिवन टाइम, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए प्रोडक्ट बना हमारा इनिशियल मोल, मान लीजिए T1 टाइम पे, मान लीजिए T1 0 सेकंड, अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं कराया, तो ये ए मोल था, तो अभी हमारा प्रोडक्ट तो कुछ नहीं बने। जैसे ही हमारा टाइम बीता, मान लीजिए T2 टाइम हो गया, ये 0 1 2 3 4 5, 0 से तो बढ़ेगा ना टाइम, 1 2 3 4 5, कुछ भी सेकंड मिनट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, कुछ भी टाइम मान लेते हैं, टी ही मान लेते हैं, T2 = T मान लेते हैं। तो हमारा ये मान लेते हैं हमारा एक्स मोल जो ए है, ए का एक्स मोल कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो एक्स मोल कन्वर्ट हुआ तो एक्स मोल ए बन जाएगा। इसका जो अमाउंट बचेगा ए माइनस एक्स, एक्स ए बन गया तो ए माइनस एक्स केवल इधर बच जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल था,
ये कुछ भी नहीं बना था, 1.5 मोल बन गया अभी, तो 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 मोल ये बचा रह जाएगा। इसको कभी कभी ए के जगह पे हम इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे हम ए माइनस एक्स को सी ए लिखते हैं कभी कभी, टी टाइम बाद मान लेते हैं सी ए बचा के और शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर आते हैं आर ए, आर ए के बारे में देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है सी ए, सी ए माइनस इनिशियल क्या है सी ए नॉट। इनिशियल टाइम कितना था ए, ए इनिशियल टाइम ए है, इनिशियल टाइम जीरो था, लेकिन फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, टी टू माइनस टी वन या टी माइनस जीरो, टी टू माइनस टी वन लिख देते हैं, टी टू माइनस टी वन। तो अभी देखिए यहाँ पे एक मोल था टी वन टाइम पे, टी टू टाइम पे क्या हो गया 0.5 भी मोल बचा, मतलब ये घट रहा है। तो सी ए क्या है हमारा छोटा है, सी ए नॉट हमारा बड़ा है, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और डिफरेंस है तो हम डी सी ए लिख देते हैं, यहाँ डिफरेंस है तो डी टी लिख देते हैं। तो यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, इसलिए हमने पीछे माइनस आर ए लगाया था, यहाँ पे जनरली माइनस आर ए लगा देते हैं। अभी क्या है, ए है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं डी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन, एन ए वाई भी मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, अपन डी टी। भी को निकालें, कांस्टेंट है तो भी निकल जाएगा, अगर ये वेरिएबल रहेगा तो क्या करेंगे हम, ए ए न्यूमिनेटर वाई डिनोमिनेटर जो अंश वाई हर करके हम डिफरेंशिएट करते हैं वो वाला यहाँ पे लगाएंगे। ये कांस्टेंट है, जैसे हमारा 5x है, इसको डिफरेंशिएट करता है करना होता है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, इसको अगर जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में ऐसे हम कर लेते हैं। अब 5 हमारा कांस्टेंट है तो सीधे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डी एन ए वाई डी टी। इस तरह से हम आर ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा मोल्स ऑफ ए डिफरेंस है दोनों का, टी वन और टी टू टाइम के बीच में, ये डी टी हमारा टी टू माइनस टी वन है, इन्हें गिवन टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं, गिवन टाइम डिफरेंस है इंटरवल। और आगे अभी देखते हैं, ये तो सीधे है कि आर ए को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, कहीं इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देंगे और कहीं माइनस आर ए केवल लिख देंगे, ठीक है, तो उसको कहीं समझने में कंफ्यूजन ना हो। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, जो रिएक्शन होता है वो कई टाइप से होते हैं, तो अभी इस वीडियो में हम दो ही टाइप के बताएंगे, पहला एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा नॉन एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब वो हो गया, जैसे स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में कोई इक्वेशन है तो हम उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, और अगर स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं है तो नॉन एलिमेंट्री बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर ए 2a प्लस बी मिल के 3r मान लीजिए बनता है हमारा, या कुछ भी 3R बनता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री कब होगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं आर ए, माइनस लगा दी आर ए हो गया, सीधे इसको हम क्या लिखते हैं कि सी ए सी बी ये लिख दिए। अब ये हमारा कंसेप्ट है, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, और अगर यहाँ पे सी ए बी सी डी जितना भी है डॉट डॉट करके लिख देंगे, और इसके पावर एन एम जो भी आता है लिख देंगे। ये एन एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट, ये ऑर्डर होता है, इस रिएक्शन की ऑर्डर होती है। जैसे ए ए ए का यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल दिए तो एन एम मिला के एन प्लस एम का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में केवल 2 होगा, इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, यहाँ पे 0.1 ये 1.9 हो सकता है, या 2 यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे वन हो सकता है, किसी भी तरीके से ये हो सकता है, ये रिएक्शन का ऑर्डर होता है जो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे तब हम इस इक्वेशन को लिख पाएंगे, हाँ ये इक्वेशन में यहाँ पे ये आएगा। अब ये भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक अकॉर्डिंग हमने लिखा तो यहाँ पे एन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, एम का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हट जाएगा, केवल ये इस पर डिपेंड करेगा, जो भी रिएक्शन का रेट रहेगा वो केवल
बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो केवल ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ ऑर्डर का मतलब यही है। अभी हमने बोला मॉलिकुलरिटी, और मॉलिकुलरिटी क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर तो समझ में आ गया यहाँ से। मॉलिकुलरिटी होती है रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1 = 3। अगर ये हमारा 3, ये हमारा ऑर्डर के टोटल ऑर्डर के बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम मान लिया 2 था ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पे मॉलिकुलरिटी इसकी क्या होगी, टोटल मॉलिकुलरिटी रिएक्शन के 3, तो 3 और 2 बराबर नहीं है, तो वो नॉन एलिमेंट्री होंगे। ये एलिमेंट्री तभी होंगे जब ये दो दो मिल के, दो एक मिल के 3, और ऑर्डर भी हमारे यहाँ पे 3 आता है। अगर ऑर्डर 3 नहीं है, अगर यहाँ पे हटा देते हैं एक एक, दो हो गया हमारा मॉलिकुलरिटी और इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम सिंपली इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। नॉन एलिमेंट्री के लिए हम कैसे लिखते हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होते हैं। एलिमेंट्री जो रिएक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, केवल एक दिशा में चलते हैं, जबकि नॉन एलिमेंट्री में जनरली दोनों दिशाओं में चलते हैं। जैसे H2 + I2 हो गया, या I2 की जगह Br2 भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन, और ये बन के हमारा 2HI बनता है, तो ये हमारा रिवर्सिबल होता है। हमारा H2 या I2 मिल के 2HI भी बनेगा, HI इसमें कन्वर्ट भी होता रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब जैसे ये था, यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे एक टर्म में और डिफाइन कर सकते हैं, वो था पार्शियल प्रेशर के। यहाँ PA लिख देंगे, PA^n, PV^m। ये nm है ये हमको पता नहीं है अभी, इसलिए हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। जब कोई इक्वेशन जनरली होगा जिसका रिएक्शन रेट हमको, रिएक्शन का ऑर्डर पता होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उस हिसाब से प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके, इसलिए हम यहाँ पे जनरल टर्म लिख दे रहे हैं nm। तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को एलिमेंट्री के। नॉन एलिमेंट्री में भी सेम है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हम सीधे जो आर लिखेंगे, ये चाई करके लिखते हैं, और ये हमारा होता है कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI लिखते हैं। तो अभी ये इसका पावर 2 हो जाएगा, ये जो दिया है ये स्टाइक्योमेट्री प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा कभी होता नहीं, अगर प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं आता है कि यहाँ पे जितना है पावर एक एक, यहाँ पे एक एक, यहाँ पे दो है तो आ जाए। अगर ऐसा होता तो वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन में आ जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो है मॉलिकुलरिटी के बराबर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इसका हम देखेंगे तो इसका कुछ और आएगा जो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितना होता है एक्चुअल में। तो ये था थोड़ा कैसे लिखते हैं इसको, और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक कंसंट्रेशन, ये बड़े ब्रैकेट को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में सीधे लिख सकते हैं, जैसे के, यहाँ H2 है, PH2 · PI2 डिवाइडेड बाई P²HI, इस तरह से पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा ये था कि मतलब कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को टोटल, इसलिए हमने यहाँ पे बताया। बाकी अभी जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको हमको ज़्यादा पढ़ना है, ये वाले टॉपिक एलिमेंट्री वाले को ज़्यादा पढ़ना है। जैसे जैसे हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है उसको हमको ज़्यादा पढ़ना होता है। ये गिब्स मान लीजिए प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट -RA = लिखेंगे KCA। अब यहाँ पे ऑर्डर जो भी रहेगा वो लिखा जाएगा। अभी ये रिएक्शन क्या हो गया, कंसंट्रेशन टर्म में हो गया, तो इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म। अभी इसको हम और भी टर्म, ये जो वैल्यू है के, रेट कांस्टेंट, इसको हम 3 थ्योरी के द्वारा डिफाइन करते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है। तो एक होता आर्हेनियस थ्योरी, स्पेलिंग नहीं पता है इसको देख लेना, आर्हेनियस थ्योरी होता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और तीसरा होता है थर्मोडायनेमिक।
थर्मोडाइनमिक्स थ्योरी, ये तीनों के द्वारा के का वैल्यू अलग अलग आता है, तो वो टेम्परेचर के टर्म में आते हैं तीनों, तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा के का वैल्यू हमारा आता है आरहेनियस के द्वारा, हम जब लिखते हैं के जीरो और ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू सी ए के पावर एन, ये के का वैल्यू ही केवल इतना आता है इन तीनों थ्योरी के द्वारा, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म इसको, और इन तीनों को बोल इसको बोलते हैं, और भी इसमें आ सकते हैं तीनों, ये इसके द्वारा लिखा गया, इसके द्वारा लिखा रहेगा तो कुछ और आएगा, इसके द्वारा कुछ और आएगा, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, है ना, यहाँ पे लिखा मैंने। तो ये था कुछ बेसिक चीज सीआरई में, तो अब सीआरई को जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें आती जाएंगी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही रहेगा, बाकी आगे देखते हैं।